बेरोजगारी और जिस समय इलाज की जरूरत थी, दवाई और सुविधा की जरूरत थी, जनता को अनाज छोड़ दिया। इन्होंने आय दोगुनी का झूठ बोला, इन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे वो झूठ बोला, लैपटॉप बांटने की बात कही वो झूठ बोला, पानी जो पाइप वाटर सप्लाई समाजवादियों ने सबसे पहले शुरू की थी उस योजना को बंद करके फिर दोबारा शुरू करने जो अभी भी नहीं पूरी कर पाए हैं, वहीं जो हम लोगों ने गरीबों को खाना दिया था। और हम समस्त पत्रकार साथियों, आपको ज़्यादा जानकारी होगी, समाजवादी पैकेट में जो चीज़ें मिलती थी आखिरकार वो क्यों बंद कर दिया है? अगर गरीबों की मदद करनी थी तो चालू रखते, ये समाजवादी सरकार बनेगी उसी तरीके से गरीबों को खाना और पौष्टिक खाना कैसे मिले जिससे उनका स्वाद बेहतर हो। साइकिल प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाया उस पर आप क्या कहेंगे? साइकिल को आतंकवाद से जोड़ना उसमें क्या कहेंगे? तो उनसे ये कहना चाहिए, जो बगल में मामा साइकिल बांट रहे हैं तो क्यों बांट रहे हैं? नंबर एक। नंबर दो, वो अपनी नाकामी पे वोट मांग रहे हैं। उस समय मुख्यमंत्री कौन था, होम मिनिस्टर कौन था, सरकार किसकी थी, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि अपनी नाकामी पे वोट मांगे कोई? और पहले किसानों को आतंकवादी कहा और अब किसको नहीं कह रहे? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जनता उनका सहयोग और समर्थन नहीं कर रही है। जनता आज महंगाई कैसे कम होगी वो सुनना चाहती है, नौजवान ये सुनना चाहते हैं कि बेरोजगारी कैसे कम हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने फौज की भर्ती 3 साल नहीं की और कोरोना की वजह से हमारे नौजवानों की उम्र बढ़ गई है। तो आखिरकार इस समस्या का समाधान क्या है? और अन्न जानवरों को लेकर के इन्होंने कई बार भरोसा दिलाया कि समस्या का समाधान हो जाएगा। बताओ, 1000 करोड़ रुपया पैसा लगा, वो कहाँ चला गया? इसलिए पर्यटन की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से, आपके किसानों के सहयोग के लिए आपने नौजवानों को नौकरी रोजगार के लिए समाजवादी पार्टी ने मैनिफेस्टो तैयार किया है और हमें उम्मीद है कि जनता का समर्थन मिलेगा और जनता को ये भरोसा है कि समाजवादी लोग आएंगे तो सरकार बनेगी और काम होगा। क्योंकि वो एम्बुलेंस चलती हुई देख रहे हैं, 100 नंबर वाली गाड़ी देख रहे हैं, वो चित्रकूट धाम वाली चौड़ी सड़क बनती हुई देखी उन्होंने। ये बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे का सपना समाजवादियों का ही था, ये अच्छा किया इन्होंने, इटावा वहाँ से जोड़ दिया। गठबंधन को लेकर वो कह रहे हैं कि ये फिर से वही होने वाला जो पिछली बार हुआ। देखिए, भाजपा घबराई हुई है, भाजपा अभी तो गठबंधन करे हुए हैं। भाजपा अपना गठबंधन क्यों छुपाती है? और जो लोग ये कहते हैं घोर परिवारवादी, आप बताइए ज्योतिदास सिंधिया क्या है उनकी।